दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त भारत जांगिड़ और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। दोस्तों जैसा कि लास्ट वीडियो हमने इस कूलर का डाला था, तो दोस्तों इसकी जो पीसीबी है, कंट्रोल पीसीबी, पूरी तरह से ख़राब है और वो मार्केट में नई भी उपलब्ध नहीं हुई है। तो दोस्तों नई यदि मिल भी रही है तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा इस कूलर के अंदर आ रहा है, लगभग 3,000 रुपये का इसके अंदर कम्प्लीट पीसीबी का खर्चा आ रहा है। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं दोनों पीसीबी इसकी, ये इसका पावर सप्लाई कार्ड है जो कि इसको सप्लाई कंट्रोल करता है। यहाँ पे दोस्तों जो स्विचिंग का पूरा काम करता है, इसकी जो आईसी ख़राब थी वो मिली नहीं है तो ये रिपेयर भी नहीं हो पाई है। और ये इसका दोस्तों पैनल है जो कि यहाँ पे इसमें लगी हुई है, पैनल पीसीबी, तो इसको हमें सबसे पहले यहाँ पे निकालना होगा। और इसे हम आज इस वीडियो में कंप्लीट किस टाइप से इस कूलर को हम बिल्कुल सस्ते में यूज करेंगे, बिल्कुल इसको मैनुअल बनाने के लिए। तो दोस्तों देख पा रहे हैं जिसका पैनल पीसीबी है उसको और दोनों इसकी पावर सप्लाई कंट्रोल बोर्ड है, दोनों जो इसकी कार्ड है दोनों को हमने यहाँ पे निकाल के साइड में रख दिया है। तो दोस्तों ये देखिए इसका जो पैनल है इसको हम इसमें यूज करेंगे यहाँ पे, और इसमें हम इसमें दो रेगुलेटर लगाकर इसको आज कंप्लीट इसको चलाएंगे और पूरा जो इसका सिस्टम है मात्र दो ही रेगुलेटर में पूरा सिस्टम काम करेगा। तो दोस्तों एक रेगुलेटर हमने इसमें जो हमारा फराटा फैन होता है 3 पॉइंट वाला इसका जो रेगुलेटर है उसका यूज करेंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं फराटा फैन, जो हमारा सिंपल फराटा फैन होता है उसका रेगुलेटर है। और एक ये रेगुलेटर है दोस्तों इसमें, ये देख पा रहे हैं बिल्कुल छोटा है, काफ़ी आसानी से लग जाएगा ये भी। और ये 4 पॉइंट वाला हमारे जो रूम कूलर होते हैं, सभी रूम कूलर में इस टाइप के जो रेगुलेटर आते हैं 4 स्टेप वाले, तो उसका यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों दो रेगुलेटर इसमें अलग अलग तरह के हमें लगाने होंगे, क्योंकि वरना हम जो सिंपल रेगुलेटर इसमें यूज करेंगे तो उसमें 3 रेगुलेटर लगाने होते हैं, जैसा कि आप सभी कूलरों में देखते हैं। तो इसमें 2 रेगुलेटर के अंदर ही हमारा पूरा सिस्टम स्विंग वगैरह पूरा काम करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों देख पा रहे हैं नॉब को निकाल कर यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ पे हमें होल करना होगा जो हमारा रेगुलेटर है उसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आयरन की मदद से हमने यहाँ पे होल कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि कोई जानकारी आपसे छूटे नहीं। और सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर क्लिक जरूर कर ले, क्योंकि इसी टाइप की नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो यहां पे दोस्तों देखिए 2 होल हमने यहां पे कर दिए, बिल्कुल बिल्कुल लगभग आपको सेम दूरी पर और बिल्कुल उस हिसाब से देख लेना है। रेगुलेटर अंदर की तरफ भी कोई प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, सेट अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों रेगुलेटर को यहाँ पे सबसे पहले जो फराटा फैन वाला रेगुलेटर है इसको यहाँ पे हम सेट करेंगे। तो सेट करने के बाद में इसका जो नॉब है उसको भी लगाकर चेक कर लेंगे, घुमाने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, सेट हो चुकी है यहाँ पे बिल्कुल। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए बारीक सा होल किया है हमने, और इसमें एक छोटा सा पेच यहाँ पे लगा देंगे, काफ़ी जगह है अंदर, किसी भी पेच में आप कहीं पे भी सेट कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों 2 पेच इसमें हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, तो हमारा एक रेगुलेटर लग चुका है। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए रूम कूलर वाला जो छोटा वाला रेगुलेटर है इसको भी हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे इसकी भी हमने नॉब निकाल दी है, और यहाँ पे इसको ये देखिए इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे दोस्तों 2 होल करने होंगे, क्योंकि पेच की मदद से ही ये यहाँ पे फिक्स होएगा। तो यहाँ पे इसको भी यहाँ पे लगाकर, तो दोस्तों लगाने से पहले आप जो इसकी ऑफ डायरेक्शन है उसको जरूर देख लें, अप या डाउन जैसे भी आप रखना चाहें उस हिसाब से इसको ऑफ डायरेक्शन को चेक करके ही आप इसको सेट करें, ताकि जो नॉब है आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी ऑफ या ऑन कंडीशन में जैसा भी है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों रेगुलेटर हमारे बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं, देख पा रहे हैं, और नॉब हमने दोनों में सेम नॉब लगा दी है जो कि देखने में बिल्कुल बराबर लगेगी, तो अच्छा भी लगेगा ऊपर से। तो दोस्तों इसके बाद में जो इसकी वायरिंग है कंप्लीट यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि हमने कंट्रोल पीसीबी जो इसकी खोली थी, तो चलिए इसके जो पूरे कनेक्शन है किस टाइप से करने हैं काफ़ी ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए व्हाइट वाली मेन लीड है, ब्लैक और रेड 2 वायर इसके अंदर, रेड वायर को हम छोड़ देंगे, ब्लैक वायर हमने मेन का लिया है, और ये 2 वायर ब्लैक वाले आपको दिख रहे हैं ये इसकी स्विंग मोटर के हैं दोस्तों यहाँ पे। तो स्विंग मोटर का कोई भी एक वायर हम ले लेंगे यहाँ पे, तो इसका भी हम ब्लैक वायर एक ले लेंगे, स्विंग मोटर का एक वायर और एक हमारा पावर सप्लाई का न्यूट्रल वाला ब्लैक वायर, 2 वायर ये हो चुके हैं हमारे। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए जो पंप का वायर है, पंप का हमने यहाँ पे जो ब्लू वायर है पंप का, पंप के ब्राउन और ब्लू 2 वायर थे इसके अंदर, तो ब्लू वायर हमने यहाँ पे पंप का लिया, और ब्लू वायर ही हमने जो मोटर का है हमारा कॉमन वायर ब्लू, जो हमारी फैन मोटर है इसकी, उसका लिया है। तो दोस्तों 4 वायर इसमें हो चुके हैं हमारे, चारों जो वायर है एक जगह जोड़कर यहाँ पे ज्वाइंट करके आपको यहाँ पे टेप कर लेना है इस टाइप से।
तो दोस्तों सभी न्यूट्रल है जो यहाँ पे, चार न्यूट्रल इसमें हमारे ज्वाइंट हो चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों देखिए, पावर सप्लाई का हमारा रेड वायर है मेन सप्लाई का, यहाँ पे इसके ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा आपको यहाँ पे लगा लेना है एक्स्ट्रा। तो ये देखिए दोस्तों, रेड वायर के दो वायर हमने यहाँ पे बना दिए हैं। इसके बाद में ये देखिए, इसका जो मेन पॉइंट है हमारा रेगुलेटर का, मेन जो पॉइंट है इसका, उसके ऊपर हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है। दूसरा वायर जो इसका, जो हमने टुकड़ा लगाया है इसको यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए इसका जो मेन पॉइंट है हमारा रेगुलेटर का, जो कि हमारा फराटा वाला रेगुलेटर है, इसके ऊपर भी यहाँ पे हमने लगा दिया है। तो दोस्तों ये देखिए, पावर सप्लाई हमारे दोनों जो रेगुलेटर है उसके ऊपर लग चुकी है। इसके बाद में दोस्तों देखिए, किसी भी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हम, ये आप देख पा रहे हैं जो ब्राउन वायर है हमारा पंप का वायर हमने यहाँ पे लगा दिया है। दूसरे पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हमने जो स्विंग का जो वायर हमारा एक बच्चा था स्विंग मोटर का, तो यहाँ पे स्विंग का जो वायर है इसको भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो दोस्तों ये देखिए, फराटा फैन वाले जो रेगुलेटर है उसके तीनों पॉइंट पे हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए, फैन मोटर के हमारे तीन वायर बच जाते हैं, रेड, ब्लैक और वाइट। तो यहाँ पे दोस्तों ब्लैक वायर है जो आपको एक नंबर पे लगाना है, क्योंकि सबसे फास्ट स्पीड जो हाई होती है, तो उस पर एक नंबर पे आपको ब्लैक वायर लगाना है। तो ये जो ब्लैक वायर है इसको यहाँ पे दोस्तों लूज नहीं छोड़ना, आपको बिल्कुल अच्छे से मेल्ट करना है, अच्छे से बल देना है। और यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, वाइट जो कि मीडियम होता है, मीडियम स्पीड का वायर है, तो यहाँ पे वाइट को हमने यहाँ पे लगा दिया है दो नंबर के ऊपर। और तीन नंबर के ऊपर हमारा स्लो जो कि रेड वायर है हमारा फैन मोटर का, उसको यहाँ पे लगा दिया है। तो दोस्तों कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। पूरे वायरों को यहाँ पे इकट्ठा करके यहाँ पे टेप लगा देंगे, जो कि पूरे वायरिंग है बिल्कुल इसकी सेट रहेगी, इधर उधर नहीं भागेगी। तो यहाँ पे दोस्तों कनेक्शन हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए, जो इसका पैनल जो बॉक्स है इसका कंट्रोल, इसको यहाँ पे हम बंद कर देंगे। कोई भी पेच नहीं है, तीन लॉक ऊपर की तरफ है जो कि काफ़ी आसानी से लग जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पैनल बिल्कुल कंप्लीट होके सेट हो चुका है। चलिए एक बार चलाकर चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये इसकी ऑफ कंडीशन है और ये इसकी ऑफ कंडीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों की यहाँ पे बिल्कुल रेगुलेटर हैं जो हमारे बिल्कुल सेट हो चुके हैं अच्छे तरीके से। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए, जो वायरिंग हमने यहाँ पे लूज की थी पूरी, इस वायरिंग को पूरा इकट्ठा करके यहाँ पे टेप कर देंगे, ताकि ये चलते वक्त या यूज करते वक्त पूरे वायर लटके नहीं, कहीं पे टच नहीं हो, जिससे कि करंट भी नहीं आएगा। और ये देखिए, पंप को हम चेक करेंगे। पंप हमारा यहाँ पे चल रहा है, देख पा रहे हैं पंप की जो सूखा चलने की आवाज़ है, जो खटर खटर की, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ रही है। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए, जो इसका ब्लोअर है, ब्लोअर भी बिल्कुल अच्छे से रन कर रहा है, बिल्कुल स्मूथ रन कर रहा है। चलिए आगे चेक करेंगे, इसका ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसकी स्विंग वगैरह का जो ग्रिल है इसका, उसको भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो दोस्तों स्विंग भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मूविंग कर रही है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ये भी अच्छे से मूव कर रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरे जो सिस्टम है इसका पूरा काम कर रहा है। चलिए इसके बाद में यहाँ पे सभी को यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे, लिख देंगे, जिससे कि कस्टमर को यूज करने में परेशानी ना हो। तो दोस्तों ये फैन वाला रेगुलेटर है, यहाँ पे ऊपर की तरफ इसका ऑफ आया है और नीचे देखिए दोस्तों, कूल और स्विंग दोनों यहाँ पे ऑप्शन काम करेंगे इसके। और इस साइड में मात्र इसका जो वाटर पंप है वो चलेगा, तो इधर ये कूल पे काम करेगा। और इसके सामने की तरफ दोस्तों यहाँ पे मात्र जो इसका जो पंप है वो ऑफ हो जाएगा, और सिर्फ स्विंग है जो इसका स्विंग मोटर, वो ही चलेगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये देखिए, जो इसके पूरे फंक्शन है इसी टाइप के, इसी रेगुलेटर में काम कर सकते हैं, वरना आपको तीन रेगुलेटर लगाने पड़ेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑफ कंडीशन हमारा, ये फैन मोटर का रेगुलेटर है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे इसकी जो पहली स्पीड है, तो उसको यहाँ पे हम लिख देंगे H, तो ये हाई स्पीड है। और ये देखिए इसकी मीडियम स्पीड, जिस पे हम M लिख देंगे यहाँ पे। और इसके बाद में ये इसकी लो स्पीड है, यहाँ पे L लिख देंगे। तो दोस्तों पूरे कंप्लीट इसका जो सिस्टम है कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे जो पंप है, पंप को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। पंप का जो पाइप है हमारा, इसको यहाँ पे लगाकर और पंप को सेट कर देंगे। और पीछे इसका जो हमारा जो इसका पैड वाला पूरा हिस्सा है, पीछे वाला पार्ट, उसको यहाँ पे हमने लगाकर फिक्स कर दिया है। इसके सभी पेचों को यहाँ पे हम लगा लेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे सभी पेचों को आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको लगा लेना है, ताकि वाइब्रेशन वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई आवाज़ नहीं आए।
तो पूरा कूलर हमारा बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। मात्र खर्चा भी इसमें लगभग 100 रुपये का ही आया है, दो रेगुलेटर का। तो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है हमारा कूलर, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों इस कूलर के बारे में किसी भी होम अप्लायसेंस या किसी भी पावर टूल के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है इसकी पीसीबी जो कि हमने यहाँ पे निकाल दिया है और कूलर को बना दिया है मैनुअल। तो दोस्तों मिलते हैं इसी टाइप के किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।